वेलकम डियर स्टूडेंट्स, संभव डिजिटल क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज अपन यहां पे एमएससी मैथमेटिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। एमएससी मैथ्स, एमएससी मैथ्स के बारे में स्टडी करने के लिए सबसे पहले अपने को इसका कितने ईयर का प्रोग्राम है, कितने पेपर्स होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, ये अपन इसके बारे में पूरा समझते हैं। स्टूडेंट्स, इस एमएससी मैथमेटिक्स को देखने से पहले, भाई आप एमएससी है वो मास्टर डिग्री है वो मैथमेटिक्स के अंदर कर रहे हैं, ठीक है। इसी मैथ्स के बारे में जिसके पहले जो आपने बीएससी किया है उसमें जो बुक्स चलती हैं उसके बारे में देखते हैं अपन। जैसे ये जो एमएससी मैथमेटिक्स है ये आपके पास में 2 ईयर्स का प्रोग्राम होता है। कितने ईयर्स का प्रोग्राम होता है? 2 ईयर्स का प्रोग्राम होता है, ठीक है। पहले ईयर आपके पास में प्रीवियस होता है, फिर दूसरे ईयर आपके पास में क्या होता है? फाइनल ईयर होता है, ठीक है। तो ये अपन लोगों ने मैथ्स में क्या पढ़ेंगे इसके सब पहले अपन ये देखते हैं कि बीएससी के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा है। जैसे हमारे पास में ये यहां पे बीएससी फर्स्ट ईयर है और बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर आप लोगों ने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी है वो अपन देखते हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर आप लोगों ने फर्स्ट पेपर में कौन सी बुक्स पढ़ी है? डिस्क्रीट मैथ्स पढ़ी है, डिस्क्रीट मैथ्स पढ़ी है। एक चीज का ध्यान देना सभी स्टूडेंट्स कि बीएससी के अंदर आपके पास में हिंदी मीडियम था या इंग्लिश मीडियम था वो कोई वैरी नहीं करता है, लेकिन अब हमारे पास में जो एमएससी मैथमेटिक्स है वो ओनली एंड ओनली इंग्लिश मीडियम में ही आएगा। हिंदी मीडियम में एमएससी पीजी डिग्री होती ही नहीं है। तो अब आप यहां पे जो ये डिस्क्रीट मैथ्स है इसको विविक्त गणित ना बोल करके इसको डिस्क्रीट मैथ्स ही बोलेंगे, ठीक है। चाहे आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो, आपको इंग्लिश में ही बोलना है। सेकंड पेपर था जिसके अंदर आपके पास में कैलकुलस था और कैलकुलस में आपने 2 बुक्स पढ़ी थी। पहला बुक्स का नाम क्या था? डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस। और दूसरे पेपर का नाम क्या था इसके अंदर? दूसरी बुक्स का नाम क्या था? इंटीग्रल कैलकुलस। फिर थर्ड पेपर थी और थर्ड पेपर में आपके पास में 3 बुक्स थी। पहली बुक्स का नाम क्या था आपके पास में? 2D। सेकंड बुक्स का नाम क्या था? 3D। और थर्ड बुक्स का नाम क्या था? LPP, या जिसको अपन ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी भी बोलते हैं। मार्केट में हमारे पास में जो बुक्स अवेलेबल होती है वो ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी के नाम से अवेलेबल होती है, और दूसरे राइटर की बुक्स हमारे पास में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के नाम से अवेलेबल होती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये बुक्स हैं वो फर्स्ट ईयर में स्टडी किया है। इसी प्रकार से जो बीएससी पार्ट सेकंड है, बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर हमारे पास में पहली बुक कौन सी थी? रियल एनालिसिस था। रियल एनालिसिस जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वास्तविक विश्लेषण। सेकंड बुक्स थी जिसका नाम क्या था आपके पास में? दूरिक समष्टि, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैट्रिक स्पेस बोलते हैं, क्लियर है। फिर हमारे पास में सेकंड पेपर था और सेकंड पेपर में हमारे पास में क्या थी? डिफरेंशियल इक्वेशंस थी, डिफरेंशियल इक्वेशन। और ध्यान देना ये जो डिफरेंशियल इक्वेशंस थी वो 2 पार्ट के अंदर डिवाइड थी, और मैक्सिमम स्टूडेंट को तो ये भी नहीं पता होता कि उन दोनों बुक्स का नाम क्या था। आप बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर पढ़े तो आपको ये मालूम है कि सर हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशंस 2 पार्ट की होती है, 2 बुक्स चलती है, उसमें x का मान डिफरेंशियल इक्वेशंस होता है और दूसरी बुक्स का जो नाम है वो क्या होता है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। लेकिन जो पहली बुक्स होती है उसका नाम ओरिजिनल में क्या होता है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। और जो दूसरी बुक्स है उसका नाम क्या होता है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। भाई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस पे तो ये लिखा हुआ है, और जिस बुक्स के ऊपर आपके पास में ओनली डिफरेंशियल इक्वेशंस लिखा हुआ है उस बुक्स का नाम क्या है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। फिर थर्ड पेपर के अंदर कौन कौन सी बुक्स थी? न्यूमेरिकल एनालिसिस, न्यूमेरिकल एनालिसिस। और सेकंड बुक्स का नाम क्या था आपके पास में? वेक्टर कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस। ये आपने बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर पढ़ा है। इसी प्रकार से आप लोगों ने जो बीएससी पार्ट थर्ड है आपका, और ये बीएससी पार्ट थर्ड तो आप अभी करंट में करके आए हैं, उसमें आपके पास में फर्स्ट पेपर था जिसके अंदर कौन सी बुक चलती है? एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अमूर्त बीजगणित बोलते हैं, ठीक है।
सेकंड पेपर का नाम क्या था, सेकंड बुक्स का नाम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। और जो थर्ड पेपर था, थर्ड पेपर के अंदर आपके पास में दो बुक्स होया करती है, पहली बुक्स का नाम है डायनेमिक्स और सेकंड बुक्स का नाम है स्टेटिक्स। लेकिन ध्यान देना, ये स्टेटिक्स अभी ओनली 2 ईयर्स से स्टार्ट हुआ है, अभी 2 साल से स्टेटिक्स की बुक्स चल रही है, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्थिति विज्ञान, इसको क्या बोलते हैं गति विज्ञान। ये स्टेटिक्स अभी 2 साल से चल रही है, इसके पहले आपके पास में जो बुक्स थी वो थी आपके पास में सी प्रोग्रामिंग, या इसको अपन सी प्लस प्लस भी बोलते हैं, सी प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो ये बुक्स तो अभी हमारे पास में सिलेबस में से हट गई है, और अभी तक बीएससी पार्ट के अंदर ये था। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग बीएससी पार्ट फर्स्ट में, बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर और बीएससी पार्ट थर्ड के अंदर ये बुक्स पढ़ के आए। अब आप एमएससी के अंदर क्या पढ़ेंगे, जो ये बुक्स आपने पढ़ी है स्टूडेंट्स, इन्हीं का बेसिक आपको यूज होगा, और वो आप लोग कहां पढ़ेंगे एमएससी मैथ्स के अंदर, उसका थोड़ा एडवांस पढ़ेंगे। जैसे ध्यान देना, आपके पास एमएससी प्रीवियस में फर्स्ट पेपर का नाम है एडवांस एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा, ठीक है। तो यहां पे आपके पास में क्या नाम है, एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा। लेकिन अब आप जो पढ़ेंगे यहां पे, उसका नाम जो ये एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा में आज तक पढ़ा था, उसका और एडवांस पढ़ेंगे आप लोग, क्लियर है। इसी प्रकार से सेकंड पेपर रियल एनालिसिस एंड टोपोलॉजी, तो रियल एनालिसिस आप लोगों ने पहले पढ़ रखी है सेकंड ईयर क्लासेस के अंदर, और यही रियल एनालिसिस मतलब इसी का थोड़ा और एडवांस रूप आप लोग यहां पर पढ़ेंगे, क्लियर है। तो ये हम लोगों ने बीएससी के अंदर पढ़ा था। यानी मैं आपको एक बात बताऊं स्टूडेंट्स, कि जैसे ही आप 12th क्लास पास करके, मतलब आज से कुछ टाइम पहले, कुछ साल पहले, आप लोग जब बीएससी पास करके यहां पे, सॉरी 12th पास करके यहां पे कॉलेज के अंदर बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंदर आए थे, तो आपने इसी प्रकार से सिलेबस पहले समझा था कि हमारे पास में इतनी बुक्स चलती हैं और हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। अब इसी प्रकार से आज अपन एमएससी मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है उसके बारे में अपन स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपन, इसको रफ कर देता हूं मैं। अब आपका जो एमएससी मैथमेटिक्स है वो आपका 2 ईयर्स का प्रोग्रामिंग होता है, और 2 ईयर्स प्रोग्रामिंग के अंदर पहले साल एमएससी प्रीवियस होता है, और सेकेंड साल क्या होता है आपके पास में एमएससी फाइनल होता है। एमएससी प्रीवियस होता है, और नेक्स्ट आपके पास में क्या होता है सेकंड ईयर, एमएससी फाइनल ईयर होता है। ध्यान देना, हम जो एमएससी डिपार्टमेंट से करते हैं वहां पे आपके पास में फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर को मिला के प्रीवियस बोलते हैं, और थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनल ईयर बोलते हैं। वो ओनली डिपार्टमेंट के अंदर अवेलेबल होता है। यहां पर जो प्रीवियस है, इस प्रीवियस में भाई फाइनल है तो वो तो अपन फाइनल में स्टडी करेंगे। अभी हम यहां पे एमएससी प्रीवियस मैथमेटिक्स की क्लास देख रहे हैं, तो प्रीवियस में हमारे पास में सबसे पहले पेपर्स देखते हैं कितने पेपर हैं। हमारे पास में प्रीवियस में 5 पेपर हैं, और जो 5 पेपर हैं उसमें से पहले पेपर का नाम है एडवांस एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा। सेकंड पेपर है जिसका नाम है रियल एनालिसिस, रियल एनालिसिस एंड टोपोलॉजी, ठीक है। थर्ड पेपर है जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड स्पेशल फंक्शंस, स्पेशल फंक्शंस। पेपर नंबर 4 है जिसका नाम है डिफरेंशियल ज्योमेट्री, एंड टेंसर एनालिसिस, टेंसर एनालिसिस। पेपर नंबर 5 है जिसका नाम है मैकेनिक्स, जिसका नाम क्या है हमारे पास में, मैकेनिक्स। ये हमारे पास एमएससी प्रीवियस के 5 पेपर हैं। पहला पेपर है एडवांस एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा, दूसरा है रियल एनालिसिस एंड टोपोलॉजी, थर्ड पेपर का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन एंड स्पेशल फंक्शंस, फोर्थ पेपर का नाम है डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस, और 5th पेपर का नाम है मैकेनिक्स। सबसे पहले यह देखना है कि कितने मार्क्स होते हैं, तो यह भी आपके पास में 100 मार्क्स का होता है,
सेकंड पेपर भी आपका 100 मार्क्स का होता है, यानी ईच पेपर्स 100 मार्क्स के होते हैं। तो इस प्रकार से आप मुझे ये बताइए कि हमारे पास 100, 100, 100, 100 और 100 मिला के कितने मार्क्स हो गए, 500। यानी एमएससी प्रीवियस है उसका जो टोटल वेटेज होता है वो कितना होता है, 500 मार्क्स का होता है, मैक्सिमम मार्क्स 500 मार्क्स होता है। क्लियर है? अब अपन ये देखते हैं कि 100 मार्क्स किस प्रकार से डिवाइड होता है, 100 मार्क्स जो एक पेपर है वो किस प्रकार से डिवाइड होता है। एक बार मैं इसको मिटा दूं। अब आज से अपन यहां पे सबसे पहले जैसे मैं एक किसी भी एक पेपर का बता देता हूं, जैसे अपन यहां पे डिफरेंशियल इक्वेशंस का देखते हैं, थर्ड पेपर जो हमारे पास में पेपर नंबर थर्ड है, पेपर नंबर थर्ड का नाम क्या है आपके पास में, डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड स्पेशल फंक्शंस, पेपर थर्ड। और पेपर थर्ड का नाम क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड स्पेशल फंक्शंस। स्टूडेंट्स सबसे पहले ये देखिए कि डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड स्पेशल फंक्शंस का जो टोटल वेटेज होता है वो कितना होता है, 100 मार्क्स का होता है। इसमें हमारे पास में 5 यूनिट्स होती है, ये हमारे पास में यूनिट नंबर फर्स्ट है, यहां पे यूनिट नंबर 2 है, यूनिट नंबर 3 है, यूनिट नंबर 4 और ये है हमारे पास में यूनिट नंबर 5। यानी बीएससी की तरह यहां पर भी हमारे पास में मैथ्स में 5 यूनिट्स होती हैं, यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और एवरी यूनिट से 2-2 क्वेश्चंस आते हैं। यानी आपके पास में यूनिट नंबर फर्स्ट से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चंस नंबर 1 और क्वेश्चंस नंबर 2, यूनिट नंबर 2 से कौन कौन से आएंगे, क्वेश्चंस नंबर 3 एंड क्वेश्चंस नंबर 4, इसी प्रकार यूनिट नंबर 3 से कौन से आएंगे, क्वेश्चंस नंबर 5 एंड क्वेश्चंस नंबर 6, यूनिट 4 से क्वेश्चंस नंबर 7 एंड क्वेश्चंस नंबर 8 और यूनिट नंबर 5 से कौन से आएंगे, क्वेश्चंस नंबर 9 एंड क्वेश्चंस नंबर 10। यानी इस प्रकार से आपको यह याद रखना है कि हमारे पास में एवरी यूनिट ईच यूनिट से 2 क्वेश्चंस आते हैं तो टोटल हमारे पास में कितने क्वेश्चंस हो गए, 10 क्वेश्चंस हो गए। इन सभी यूनिट में जो 2 क्वेश्चन आते हैं उसमें के बीच में सबके बीच में और लगा दीजिए आप लोग, और यानी अथवा, ठीक है, और का मतलब क्या है, इन दोनों क्वेश्चंस में से आपको एक क्वेश्चन यहां से करना है, एक क्वेश्चन आपको यहां से करना है, एक क्वेश्चन आपको यहां से करना है, एक क्वेश्चन आपको यहां से करना है और एक क्वेश्चन आपको यहां से करना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको टोटल कितने क्वेश्चंस करने हैं, 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, 5 क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं स्टूडेंट्स, अटेम्प्ट करने हैं। आप ये देखिए स्टूडेंट्स कि पूरा पेपर है वो 100 मार्क्स का होता है, वो 5 यूनिट्स के अंदर डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब एवरी यूनिट्स कितने मार्क्स की होती है, 20 मार्क्स की होती है। कितने मार्क्स की होती है स्टूडेंट्स, 20 मार्क्स की होती है। यानी आपके पास में कितने क्वेश्चन आते हैं टोटल, 5 क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, 20 क्वेश्चन नंबर्स का होता है। क्लियर है? तो इस प्रकार से हमने आज जो ये एमएससी प्रीवियस है, इस एमएससी प्रीवियस का हमने क्या देखा है आज की वीडियोस के अंदर, ये पेपर डिस्कशन देखा है और पूरा सिलेबस के बारे में हमने इसके अंदर एनालिसिस किया है कि किस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से हमें अटेंड करने पड़ते हैं। क्लियर है? अब हम इसमें आज जो आगे स्टडी करते हैं वो हम करते हैं इसके अंदर पेपर नंबर थर्ड। सबसे पहले अपन यहां पे पेपर नंबर थर्ड स्टार्ट करते हैं।